तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि जब हम स्कैफोल्ड इरेक्ट करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्रंट एज है ये प्लैंक्स की और ये बिल्डिंग के आउटर लेयर की, तो ये जो डिस्टेंस है ये 14 इंच होना चाहिए उसके फ्रंट एज से, और इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर दे सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था 6 इंच के जो प्लैंक्स होना चाहिए वो 6 इंच बाहर होना चाहिए जो हमारा ब्रेसिंग लगा हुआ उससे। सो दोस्तों अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्लैंक्स के नीचे जैसा मैंने पहले बताया था कि 2 वुडन ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, ये ब्लॉक्स क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि अगर हम जब स्कैफोल्ड इरेक्ट करते हैं तो उस हमें ब्रेसिंग और स्टैंडर्ड के थ्रू स्कैफोल्ड इरेक्ट करना होता है, और जब हम वर्किंग प्लेटफॉर्म को या प्लैंक्स को उस पर लगाना होता है तो प्लैंक्स मूवमेंट ना करें इसके लिए हम इसके नीचे ये ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं जिसे क्लिट्स कहते हैं। अब ये देखते हैं फुली ब्रेस्ड स्कैफोल्ड। ये फुली ब्रेस्ड स्कैफोल्ड क्या होता है कि जैसे अगर हम जब स्टैंडर्ड को एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाते हैं तो वहाँ पर जो विंड कंडीशन होती है और स्टॉर्म कंडीशन अगर कभी क्रिएट होती है तो उससे उसके जो स्टेबिलिटी है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंस पे जैसे अगर हमने एक स्टैंडर्ड लगाया और दूसरे स्टैंडर्ड जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उससे पहले हम उसको फुली ब्रेस्ड कर देते हैं ताकि वो स्टेबल रहे इसी भी कंडीशन में। अब कॉम्पिटेंट पर्सन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे मैंने पहले बताया था, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में हम देखते हैं। डेसिग्नेटेड कॉम्पिटेंट पर्सन डेसिग्नेटेड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी जैसे अगर जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर के किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है कि तुम्हें स्कैफोल्डिंग पे वर्क करना है और ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तो जो एम्प्लॉयर वहाँ पे होने चाहिए वो उसके जो भी कॉन्ट्रैक्टर होने चाहिए वो एम्प्लॉयर के द्वारा डेसिग्नेटेड होना चाहिए। उन्हें उसके जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंस और नॉलेज उसके लिए रिक्वायर्ड है वो उन्हें पता होना चाहिए ताकि जो वो एग्जिस्टिंग और प्रिडिक्टेबल जो हज़ार्ड है उसको फाइंड कर सके कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन। और उसको ये अथॉरिटी होती है कि अगर ड्यूरिंग इंस्पेक्शन उसको कोई अगर ऐसा डिफेक्ट दिखता है, ऐसा डिफेक्ट दिखता है जिससे वो अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो उसको वो एलिमिनेट करने के लिए जो भी वर्क करना चाहे वहाँ पर कर सकता है, या तो वो पर्टिकुलर एरिया को सील भी कर सकता है। और अगर वो इंस्पेक्शन के दौरान वो चेक करता है कि ये कंडीशन सही नहीं है तो वहाँ पर टैग लगा सकता है कि डू नॉट यूज़ स्कैफोल्डिंग एट दिस टाइम। तो अगर वो टैग लगा दिया तो उस टाइम कोई भी वर्कर उस स्कैफोल्ड को यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये अथॉरिटी होती है कॉम्पिटेंट पर्सन के पास। और उसके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या क्या होती है, वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना जो भी इरेक्ट कर रहे हैं डिसमेंटल कर रहे हैं, और उसको अगर कोई चेंजेस वगैरह स्कैफोल्ड में करना है तो ये जो अथॉरिटी होती है ओनली ये कॉम्पिटेंट पर्सन को होती है। डिटरमाइन इफ इट इज़ सेफ फॉर एम्प्लॉयज टू वर्क ऑन आर फ्रॉम स्कैफोल्ड ड्यूरिंग स्टॉर्म आर हाई विंड्स, उसे ये डिटरमाइन करना होता है कि अगर मान लो जो विंड की कंडीशन है वो सही नहीं और ज़्यादा विंड जो विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और उस टाइम उस वर्किंग प्लेटफॉर्म पे काम करना आसान नहीं है, तो वो डिटरमाइन करेगा जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो। अगर उससे ऐसा लगता है कि इस टाइम इस वर्किंग प्लेटफॉर्म पर काम करना ठीक नहीं होगा तो वो उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो काम को उस टाइम स्टॉप करवा सकता है। इंस्पेक्ट स्कैफोल्ड्स एंड स्कैफोल्ड कंपोनेंट्स फॉर विजिबल डिफेक्ट्स बिफोर ईच वर्किंग शिफ्ट। अब जब भी हम वर्किंग शिफ्ट स्टार्ट करते हैं या वर्किंग शिफ्ट ख़त्म होने के बाद उसे हमें चेक करना होता है कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो इसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसमें हमें क्या क्या डिफेक्ट को चेक करना होता है, क्या क्या इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन के दौरान किस किस चीज़ों को फोकस करना होता है उसके बारे में मैं आगे वाली वीडियो में आपको बताऊँगा।
अब हम बात करते हैं स्कैफोल्ड एक्सेस पे। लेडर्स नीडेड इफ़ एक्सेस मोर देन 2 फीट। अगर हमें एक वर्किंग प्लेटफॉर्म से दूसरे वर्किंग प्लेटफॉर्म पे जाना है तो उसके लिए हमें लेडर की ज़रूरत पड़ती है, और अगर उसकी जो बीच की डिस्टेंस है 2 फीट से ज़्यादा है तो हमें वहाँ पर डेफिनेटली लेडर्स की ज़रूरत पड़ती है। डोंट क्लाइम क्रॉस ब्रेसेस। जो क्रॉस ब्रेसेस है जिससे मैंने बात करी, अगर जो हमारा गार्ड रेल हमने बना कर रखा है वहाँ पे हमने क्रॉस ब्रेसिंग लगाई हुई है और हमें जो वर्किंग है हमारा वो गार्ड रेल से थोड़ा ऊपर की हाइट पे, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम क्रॉस ब्रेसिंग के ऊपर चढ़कर वो जो वर्किंग का काम वो करें, ऐसे में स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लेस लेडर सिक्योरली। अगर हम लेडर का यूज़ कर रहे हैं ठीक है, तो जो लेडर होनी चाहिए, अगर मान लो मेरे लेडर की हाइट 10 फीट है ठीक है, तो मैं उसको जो लेडर को प्लेस करूँगा किसी भी वॉल के ऊपर, तो जो उसके 3 फीट है, लेडर के जो 3 फीट है वो ऊपर जाने चाहिए उस वॉल के ऊपर, और बाकी का जो उसका 7 फीट का पार्ट है वो नीचे होना चाहिए, ताकि अगर उस पर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या वर्कर उस पर चढ़ता है तो वो ज़्यादा मूवमेंट ना करे और उसके स्लिप होने के चांसेस ना रहे। इसलिए हमें जो लेडर है उसको प्रॉपरली प्लेस करना ज़रूरी है। अब क्या बोला है, असिस्ट टू आर फ्रॉम अनदर सरफेस सच एस विंडो कैन ओनली बी यूज व्हेन द स्केप फॉल्ड इज नो मोर देन 14 इंच हॉरिजॉन्टली एंड नो मोर देन 24 इंच वर्टिकली फ्रॉम द अदर सरफेस। पोर्टेबल एक्सेस लेडर मस्ट बी सिक्योर टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर हम कोई लेडर यूज़ कर रहे हैं स्केप फोल्डिंग में, तो लेडर के थ्रू वहाँ पे हमें पिन प्रोवाइड करनी पड़ती है या एक ऐसा एंकरिंग पॉइंट प्रोवाइड करना पड़ता है जहाँ पे हम स्केप जो स्टेयर है उसको हम सिक्योरली वहाँ पे इंस्टॉल कर सके, ताकि जो उसका मूवमेंट है स्टेयर का वो मूवमेंट ना हो। एक्सटेंड एटलीस्ट 3 फीट एबो लैंडिंग टू प्रोवाइड अ हैंड होल्ड। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि 3 फुट में जो हमारे जो स्टेयर यूज़ कर रहे हैं उसका जो अपर पार्ट है वो 3 फीट ऊपर होना चाहिए वाल के। अभी आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं अटैचेबल एक्सेस लेडर कैसे हम उससे अटैच करते हैं किसी भी वॉल के ऊपर, तो हमें पिन के थ्रू उससे अटैच कर देते हैं ताकि जो स्टेयर का मूवमेंट है वो ज़्यादा ना हो पाए, इससे जो एक्सीडेंट के चांस है वो कम होते हैं। अब हम ये अगर स्केफोल्ड स्टेयरवे यूज़ कर रहे हैं स्केफोल्ड में तो उसे कैसे लगा, इसका एग्जांपल दिया हुआ है इसमें। स्केफोल्डिंग फॉल प्रोटेक्शन, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर हमारे जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो 10 फीट एबो है ग्राउंड लेवल से, तो हमें उसमें फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करने पड़ते हैं। फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम में 2 सिस्टम हम यूज़ करते हैं, पहला गार्ड रेल और दूसरा फॉल अरेस्टिंग सिस्टम जो मैं प्रीवियसली डिस्क्राइब कर चुका हूँ। और जैसे मैंने पहले बताया टॉप रेल इंस्टॉल बिटवीन 38 इंच एंड 45 हाई। मिड रेल्स ये भी मैं प्रीवियसली डिस्क्राइब कर चुका पहले। स्केप फॉल फॉल प्रोटेक्शन कंटिन्यू। इरेक्टिंग एंड डिसमेंटलिंग। फॉल प्रोटेक्शन शुड बी यूज व्हेन फीजिबल एंड व्हेन इट डज नॉट क्रिएट ग्रेटर हजार्ड। हमें फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम कब यूज़ करना चाहिए, अगर वो कोई ग्रेटर हजार्ड क्रिएट ना कर रहा हो। शुड बी यूज। अब हम बात करते हैं कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट के प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एनीवन वर्किंग ऑन आर अराउंड और स्केप फोल्ड मस्ट वियर अ हार्ड हैट। अगर हम किसी भी स्केप फोल्डिंग या उसके वर्किंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और उसके नीचे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे जो भी वर्कर है वो प्रॉपरली हार्ड हैट वहाँ पे फिट होना चाहिए और वहाँ पर प्रॉपरली बैरिगेटिंग एंड टैपिंग होना चाहिए, ताकि कोई अनऑथोराइज्ड एंट्री ना हो सके। हमें हार्ड हैट इसलिए प्रोवाइड कराना चाहिए सभी वर्करों को, ताकि जो फॉलिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट कोई हाइट से फॉल होता है तो उससे सर पे आके ना गिर सके और इससे कोई एक्सीडेंट के चांस क्रिएट ना हो सके, इसलिए हार्ड हैट पहनना ज़रूरी है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। वर्कर्स ऑन और बिलो स्केप फोल्ड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट बाय टोबोर्ड मैस स्क्रीन्स एंड इक्विपमेंट। अब टोबोर्ड क्या होता है, जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है
वर्किंग प्लेटफॉर्म पे हम जैसा मैंने पहले बताया प्लैंक्स, जो प्लैंक्स होते हैं वैसे वुडन ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, और हम जो हमारा जो लोअर रेल होता है वहाँ पे हम उसे अटैच कर देते ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ से नीचे ना गिर सके। हम इसमें देखते हैं आगे एग्जांपल उसका। ये जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये जो टो बोर्ड लगा हुआ है इसके थ्रू जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे नहीं गिर सकता, इससे जो ऑब्जेक्ट के फॉल होने के चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं। और ये है जैसे अभी हमने बताया कि लीन रेडर फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन के लिए हम इसका भी यूज़ करते हैं। स्केप फॉल्ड सेफ्टी ट्रेनिंग, अब ये क्यों ज़रूरी है? जैसे हम कोई भी स्केप फॉल्ड पर काम करते हैं उसके इरेक्ट या डिसमेंटलिंग, इरेक्ट मतलब जब हम उसे क्या बोलते हैं इंस्टॉल करते हैं स्केप फॉल्ड को तब, और डिसमेंटलिंग जब हम उसे निकालना होता है, तो हमें क्या क्या सेफ्टी फीचर्स फॉलो करने होते हैं ये हमें सेफ्टी ट्रेनिंग के दौरान बताए जाते हैं। जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो जो एक ट्रेंड ऑफिसर है उसके थ्रू उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, और जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए और सर्टिफाइड होना चाहिए। किस किस फील्ड में, उसमें ये बताया गया है इलेक्ट्रिकल हजार्ड, फॉल प्रोटेक्शन, फॉलिंग और फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन, प्रॉपर यूज़, मटेरियल हैंडलिंग एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी। इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड में क्या क्या आएगा? अगर जब हम मान लो हमारे जो वर्किंग प्लेस है वो ऐसी जगह पे जहाँ पे हाई टेंशन लाइन ऊपर गई हुई हो और हमें वहाँ पे बिल्डिंग तैयार करना है, तो अगर वहाँ पे जो हाई टेंशन लाइन है और वहाँ पे हमें स्केप फोल्डिंग इरेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो हाई टेंशन लाइन का एरिया है उससे थोड़ी दूर पे हम उसे इरेक्ट करेंगे या उसके दूसरी साइड पे इरेक्ट करेंगे, ताकि जो उसके कॉन्टैक्ट है स्केप फोल्डिंग का और हाई टेंशन लाइन का वो ना हो सके। फॉल प्रोटेक्शन के लिए जैसे मैं बता चुका फॉल अरेस्टिंग सिस्टम यूज़ होते हैं, गार्ड रेल सिस्टम यूज़ होते हैं। इसमें जो क्वालिफाइड पर्सन है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना होता है कॉन्ट्रैक्टर्स को और वर्कर्स को। व्हाट टाइप ऑफ स्केप फॉल डू यू यूज़? अब हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे कि किस किस टाइप के स्केप फोल्डिंग यूज़ होते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। सो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।